হ্যালো, আরে এখনো পৌঁছাইনি, আমরা ঘুরছি, আমরা এক্সপ্লোর করছি রাস্তাঘাট। तो भैया आज है 14th of March संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 और ये सब पहन के मैं जा रहा हूँ एक छोटे से ब्रेकफास्ट राइड पे। राइड जो है उसमें मेरे साथ और भी लोग जाने वाले हैं। कौन कौन जाने वाला है वो मैं दिखाऊंगा बाइक पे जाकर। तो आज का कॉल टाइम है सुबह के 6 बजे, तो मैं फटाफट से जाता हूँ क्योंकि वो लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे। तो भैया बाइक को कोल्ड स्टार्ट पे लगा दिया है और ये ग्लव्स जो है वो मैं पहन के अभी चढ़ जाता हूँ बाइक के ऊपर। तो फ्यूल तो ज्यादा है नहीं, मुझे रिफिल कराना पड़ेगा। तो भैया ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से निकलते हैं। तो हियर वी आर ऑन द रोड। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भैया मुझे ठीक से पता नहीं है कि कैमरा का एंगल जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं। मैं चेक कर रहा था, लग तो रहा था कि ठीक ही है, पर अभी मुझे ठीक से पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो भैया आज की मेरी जो सवारी है वो है यामाहा R15 version 3। मेरी जो RS है वो तो अभी थोड़ी सी सर्विस के लिए गई है, तो वो खड़े हैं अरुंदा और शोभो। तो ये है शोभो और ये रहे अरुंदा और हम लोग जा रहे हैं छोटे से ब्रेकफास्ट राइड के लिए। तो चलो भैया बिस्मिल्लाह करते हैं। राइड जो है आज का वो अरुंदा ने प्लान किया है। हम लोग तीनों जा रहे हैं PFR की तरफ से और एक ग्रुप जो है राइडिंग ग्रुप वो हमें ज्वाइन करने वाला है डेस्टिनेशन पर, वो है एल्पाइन टॉप। तो भाई फ्यूल तो भराना है, देखना पड़ेगा अभी मिलता है कि नहीं, क्योंकि सुबह सुबह सब जगह पे फ्यूल नहीं मिलता। तो भाई फ्यूल भराना हो गया कंप्लीट, तो अभी हम लोग सीधा निकल जाएंगे, रुकने का कोई चांस तो है नहीं। भैया आ गए हैं हम ईश्वरगुप्त सेतु पे, माँ गंगा को अभी हम लोग क्रॉस करेंगे। तो भैया ये है मोगरा, NH2 पकड़ने के लिए हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। ये है मोगरा, ये तो भैया बस तो पीछे जा रही है, सामने एक बड़ा सा ट्रक है और उसके सामने और भी ज्यादा जाम है। तो वो निकला है कि नहीं? कि हाँ वो निकल गया है। भैया देखो जाम, सुबह सुबह बाजार लग गया यहाँ पे। ये है मोगरा हाट। राइट में निकलो छोटा या बड़ा, ये हम पीछा ही नहीं छोड़ने वाला है भाई। यार रॉयल एनफील्ड का ये जो एग्जॉस्ट है भाई, इसके पीछे तो नहीं बाइक चला सकते भाई, इतना खराब आपका जरूर होगा। तो आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वो दिसंबर में जब सिक्किम राइड किया था उसके बाद हम लोग फिर से निकले हैं राइड पे। छोटा ही सही, संडे ब्रेकफास्ट राइड है वही सही, पर निकले तो है। भैया पता नहीं अरुंदा कहाँ कहाँ से लेकर के जा रहे हैं, किसी के घर पे ऊपर से, किसी के आंगन से, यार देखो भाई। मगर अच्छा तो बहुत लग रहा है भाई सुबह सुबह, ये देखो गूगल माता। तो भैया लग रहा है कि गूगल माता ने धोखा दे दिया है। ये देखो भैया, आई होप कैसा ना हो पर लग रहा है कि गूगल आंटी ने धोखा दे दिया है। ये कच्ची सड़क खत्म होगी अभी, या चलो लेफ्ट। चलो घूमने आए हैं, घूमना तो हो रहा है बहुत बढ़िया से। क्या सुबह सुबह सीनिक ब्यूटी भाई, बहुत बढ़िया मजा तो आ रहा है। यार यहाँ तो सब
उसके घर के सामने सामने स्पीड ब्रेकर बना के रखे हुए हैं। जस्ट चेक दिस आउट, दिस इज लश ग्रीन, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। सुबह सुबह और भी मजा आ रहा है, दोनों तरफ इधर देखो और इधर देखो भाई, ये जगह बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। Oh my god, what a beauty. ये कहाँ इधर जा रहा है बॉस, अपन को कुछ अता पता नहीं लग रहा है। गूगल माता की जय भैया, गांव में घूम रहे हैं सिर्फ देखो। It seems that we are going to a wrong direction, man. मुझे तो लग रहा है भाई जहाँ से आए थे वहीं पर जा रहे हैं फिर से घूम घूम के। अभी लग रहा है कि मेन रोड पे आए हैं, मेन रोड मतलब हाईवे नहीं, मेन रोड पे। हेलो, अरे अखनो पहुँचा ही नहीं, हमारा घूर ची, हमारा एक्सप्लोर कर ची रास्ता घाट। भैया हम लोग ट्राई नहीं करेंगे वो वाला क्योंकि बाइक मेरा नहीं है, पर भैया एक बात तो है, रिस्क है तो इश्क है। तो भैया हम लोग जो प्लान कर रहे थे वो था 7:15 के बीच में डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, पर गूगल माता ने हमको दे दिया धोखा, जो कि बढ़िया ही हुआ है एक्चुअली, क्योंकि हमें और भी रास्ते जो है वो एक्सप्लोर करने को मिले। अभी टाइम हो रहा है 7:40, तो देखते हैं कब तक डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं भैया। तो चलो चले। तो भैया थोड़ा सा टॉयलेट ब्रेक पे रुके हैं, टॉयलेट कर लिए हैं। ये देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाइक पे, लेडी बाइकर। यस दे आर, मैं यही सोच रहा था कि हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं। भैया कैमरे पे तंबाकू नहीं चलेगा भाई। तो भैया द स्टोरी इज, हम लोग उल्टी दिशा पर जा रहे थे, अभी जाएंगे सीधा। भैया पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, आई सपोज दे आर द अल्पाइन टॉर्च, और ये है डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट। थैंक यू बहुत सो बहुत सोना से। तो भैया हियर वी आर एट डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट बिसाइड NH2, और यहाँ पे है सारे टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं। दे आर द एल्पाइन टॉक्स एंड दे आर थोबो एंड अरुंदा। संडे ब्रेकफास्ट राइड के लिए आए हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जस्ट ऑर्डर किए हैं और अभी हमने लिया है एक टी। बहुत सारे बाइक्स आए हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, लगभग 15 बाइक्स हैं यहाँ पे, तो आप एक बार बाइक्स देख लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरा बाइक, ये है यामा R15। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, ये है आरजे का। मेरा बाइक जो है वो सर्विसिंग के लिए गई हुई है, इसीलिए मैं आरजे का बाइक लेकर के आया हूँ आज के लिए। दिस इज द R15 version 3, दिस इज रॉयल एनफील्ड। सोबो का बाइक, ये है बजाज डोमिनर, अरुंदा का बाइक, और ये है अल्पाइन टॉर्क्स के बाइक। ये है पल्सर 220, अगेन रॉयल एनफील्ड। दिस इज हिमालयन, दिस इज यामाहा FZ25, दिस इज KTM 250, डोमिनार अगेन, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर, एक्सब्लेड CBR, और ये है आपका 220, और ये है हिमालयन। सो दीज आर द बाइक। ये जो रोड है ये है NH2, इधर आप जाओगे तो पूरा जाओगे सिलीगुड़ी, इधर है कोलकाता। तो भैया ब्रेकफास्ट सबका हो गया है कंप्लीट, और टोबो के लिए सिर्फ वेट कर रहे हैं।
सुबह का भी लगभग हो गया है, हो गया बोल रहा है। कुछ लोग अभी निकल जाएंगे, हम भी निकलेंगे अभी। काफी बढ़िया रहा आज का मीटअप, लुकिंग फॉरवर्ड के एक साथ राइड करेंगे, तो देखते हैं कब होता है। दादा आशी टाटा, चलो टाटा, तुम व्हाट्सएप आओगे पिन कोड दियो। तो भैया बाइक जो है वो तो धूप में खड़ी है, तब से पूरी तरीके से तप चुकी है बाइक। चलो तो भैया कार्यक्रम हो चुका है खत्म। भैया आज का राइड खत्म करके हम आ गए हैं अपने घर वापस, और आज का राइड जो है वो बहुत ही शानदार रहा, बड़ा ही मजा आया राइड करके, क्योंकि बहुत सारे नए नए रोड्स जो है वो एक्सप्लोर करने को मिले थैंक्स टू गूगल माता। और आज का मीटअप जो है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहा एल्पाइन टॉर्क के साथ। इट्स ऑलवेज नाइस टू इंटरेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। तो देखते हैं कब राइड प्लान हो पाता है। फिलहाल तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चालू है, तो इसीलिए इलेक्शन के टाइम में कोई राइड नहीं, जो कुछ भी होगा उसके बाद होगा, तो देखते हैं कब हो पाता है। और बहुत सारे फुटेजेस जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया था एट द टाइम टेकिंग ब्रेकफास्ट, पर गलती से मैंने उसको कर दिया था स्लो मोशन में रिकॉर्ड, तो इसलिए कोई भी ऑडियो उसमें आया नहीं, तो कुछ डाल नहीं पाया उतना ज्यादा, सॉरी फॉर दैट। तो यही था आज का ब्लॉग, व्हेन बीएफआर मीट्स अल्पाइन टॉर। तो आपको ये संडे ब्रेकफास्ट राइड वाला ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नाउस वेमो। सोबो हमने टॉयलेट ब्रेक लिया था, तंबाकू ब्रेक नहीं। कचरा कर रहे हैं बाबा।